ये झूठा आश्वासन देके लोगों को और फंसा रहे हैं। ये लाडली बहना बोल रहे हैं कि लाडली बहना भी एक मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना है। इनको शर्म नहीं आती कि मैं जीजाओं को अपने 1200 रुपए में गैस दे रहे हैं। कम से कम गैस का रेट कम कर दे आप भैया। इनके कोई मंत्री जाएंगे लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, उज्ज्वला बहन से बहन की आंखें नहीं खराब होंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा खत्म नेतृत्व है कि जो इनके ढकोसलेबाजी को जनता के सामने नहीं ला पा रहा है। प्रोसेसिंग है, इन सब प्रोसेसिंग में 10-15 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। लोग वाक के 10-15 हज़ार रुपए खर्च हो गए और आज तक उनको लोन नहीं मिला। बेचारे उनके पास जो पैसा था भी उसे भी वो खर्च कराए गरीब। बताइए, आप जाके एक्चुअल किसानों से बात करिए ना, जो 1 लाख रुपए लिया था उसका आज की डेट पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है। नहीं बोले साहब, नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। ये झूठा आश्वासन देके लोगों को और फंसा रहे हैं। ये लाडली बहना बोल रहे हैं कि लाडली बहना भी एक मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना है। इनको शर्म नहीं आती कि मैं जीजाओं को अपने 1200 रुपए में गैस दे रहे हैं। कम से कम गैस का रेट कम कर दे आप भैया। क्यों आप दे रहे हैं 1000 रुपए? 1000 रुपए दे के आप महंगाई भैया बताइए ना कितना ज्यादा है। महंगाई योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी गैस सिलेंडर बांटे गए थे गरीबों को, रियल गरीबों को ही मिले थे। लेकिन अब उनके पास इतना पैसा नहीं है गरीबों के पास कि वो उस सिलेंडर को रिफिल करवा सकें। लोगों के घर में रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, जो गरीब लोग हैं वो घर में रखे हुए हैं गैस, वो उसमें रख दिए हैं। बहुत लोग बेच चुके हैं, बेच नहीं रहे, बेच चुके हैं और चूल्हे में खाना बना रहे हैं। और ये जाएंगे फोटो खिंचवा लेंगे, इनके कोई मंत्री जाएंगे लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, उज्ज्वला बहन से बहन की आंखें नहीं खराब होंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा खत्म नेतृत्व है कि जो इनके ढकोसलेबाजी को जनता के सामने नहीं ला पा रहा है। फेल है। जी, रोजगार करते हैं, छोटी सी दुकान है आपकी। प्रदेश में, देश में एक योजना चलती है मुद्रा योजना, क्या उसके तहत आपने कभी अप्लाई किया? आपको उसका लाभ मिला है या किसी को लाभ मिला जिनको आप जानते हैं? भैया मुझे तो आवश्यकता नहीं हुई। अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और प्रधानमंत्री जैसे कई योजनाएं हैं ये चला रहे हैं। आप खुद प्रयास कर लीजिए एक बार जाके, आपके पैसे भी खर्च होंगे। मेरे एक गांव का एक भाई ही है, वो प्रयास किया, उसके 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो गए। क्या है कि उसमें जब उसका जो बनवाने का, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यदि आप लोन लेते हैं तो आपको सीए रिपोर्ट चाहिए, आपको जात, निवास, आय, ये सब वगैरह वगैरह कागज होते हैं। फिर उसके बाद आपको जब आपको वकील को भी पैसा देना पड़ेगा, फाइल पहुंचने तक रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना पड़ेगा, ये सारी प्रोसेसिंग है। इन सब प्रोसेसिंग में 10-15 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। लोग वाक के 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो गए और आज तक उनको लोन नहीं मिला। बेचारे उनके पास जो पैसा था भी उसे भी वो खर्च कराएं गरीब। इस तरह की स्थिति है। मोदी जी के द्वारा बोला जाता है या प्रदेश के मुखिया के द्वारा बोला जाता है कि हमने 10 लाख लोगों को मुद्रा योजना का लाभ दिलवाया, इतने लाख लोगों को स्वरोजगार योजना के तहत जो हमने लोन दिलवाया, मुख्यमंत्री जिसकी ब्याज जो भर रहे हैं। या फिर अभी जैसे त्योथर की रैली में बोला गया कि 2000 करोड़ रुपए का कर्ज का ब्याज किसानों को हम आगामी दिनों में माफ करने वाले हैं। तो ये मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो आपने जो बताया कि ये जो बोल रहे हैं यही तो विडंबना है कि लोग पूछ नहीं पा रहे हैं कि आप दिए किसको हैं। ये दिए उसी के हैं कि विधायक के लड़के को दे दिए, विधायक के भतीजे को दे दिए। हर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, उसका इनके पास आंकड़ा है। बाकी आम जनमानस को कोई भी इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने जो बात किया, ये किसान में वो ब्याज दर माफ़ कर दी, किसानों का जो लोन था ये आप 14% ब्याज कर दीजिए, 15% ब्याज कर दीजिए, ठीक। फिर आप उसके बाद उसमें इंक्लूड कर दीजिए मेन में पैसे में, फिर उसके बाद फिर से ब्याज उसकी बनना स्टार्ट होती है, वो वाली ब्याज आप माफ़ कर दीजिए। फिर आप कहिए, उसका श्रेय लीजिए कि मैंने ब्याज माफ़ कर दिया। बताइए, आप जाके एक्चुअल किसानों से बात करिए ना, जो 1 लाख रुपए लिया था उसका आज के डेट पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है, तो वो 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ले लिए और जो एक साल की ब्याज थी, जो प्रेजेंट ईयर की ब्याज है, उसको माफ़ कर दिए। बता दिए मैंने किसानों का ब्याज माफ़ कर दिया।